दोनों बिल पास हो गया। अब देखिए दो बात है, आप जरा जान लीजिए, आप 1970 की इसकी बात की, तो आपको याद हो कि आदरणीय जॉर्ज साहब जब इंडिया के कन्वीनर थे, उसी समय जब एजेंडा फॉर गवर्नेंस में जो बातें बनी थी, जो कल ललन जी बोल रहे थे लोकसभा में, तो देखिए होता क्या है ना कि किसी भी मुद्दे से किसी पार्टी का एक लगाव होता है, और हम लोग सबको लगता है कि जॉर्ज साहब ने इस मामले को समय से ही रखा था, ऐसा ना लगे कि भाई उनको भी लगे कि भाई ये लोग निर्णय बदले तो उनको उनकी आत्मा को उनकी तकलीफ। लेकिन अब तो देखिए जब कानून बन गया, देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, जब कोई कानून बनता है उसका पक्ष होता है विपक्ष होता है, उसका प्लस पॉइंट होता है नेगेटिव पॉइंट होता है, उसको सपोर्ट करते हैं आप, विरोध करते हैं, उसका समर्थन नहीं देते जो भी आप। लेकिन जब एक बार कोई कानून बन जाता है तो देश का कानून, और जब कानून बन जाता है तो सबको उसको पालन करना चाहिए। और अब तो देखिए हम लोग यही कामना करते हैं कि भाई अब तो कश्मीर में लद्दाख भी एक अपना यूनियन टेरिटरीज बन गया, जम्मू कश्मीर भी बन गया, तो कश्मीर भारत का हिस्सा था, है, रहेगा, और पूरा का पूरा कश्मीर में इतना विकास हो जिसे कश्मीर के लोगों को भी लगे कि जो इस प्रकार का जो अभी कार्रवाई हुई है इससे उनके किसी हित का समझिए नुकसान नहीं, ये मैसेज उनके बीच जाना चाहिए, और तब जा कर करके पूरा देश जो हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करते हैं एक है, उसको और ताकत मिलेगी। लेकिन आपके